भर्तृहरि कृत नीति शतकम् श्लोक क्रमांक एक मंगलाचरणम् दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकनामाय नमः शान्ताय तेजसे वृत्त अनुष्टुप् दिक्काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय शांताय तेजसे नमः। उस अनंत चैतन्य मूर्ति शांत और तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सब दिशा और काल में व्याप्त है और जो केवल स्वानुभव से ही जाना जा सकता है। Salutation to the peaceful light, whose form is only pure intelligence, unlimited and unconditioned by space, time, etc., and the principal means of knowing which is self-perception. Ajnaninda, Shlok Kramanka 2. Yan chintayami satam maisa virakta साप्यन्यच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या दिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च महाञ्च। अन्वय अहं यान् सततं चिन्तयामि सा मयि विरक्ता सा अपि अन्यं जनम् इच्छति सह अन्या जनः सक्तः काचित् अन्या च अस्मत्कृते परिशिष्यति। वह प्रियतमा जिसकी मैं निरंतर चिंता करता हूँ मुझसे विरक्त होकर अन्य पुरुष की इच्छा करती है। वह अन्य पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर आ सकता है और वह अन्य स्त्री मेरे लिए प्राण दे रही है। अतएव मेरी प्रिया को जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है धिक्कार है। इस अन्य स्त्री को जो मुझ पर आ सकता है धिक्कार है, मुझको धिक्कार है और उस कामदेव को जिसकी यह सब प्रेरणा है धिक्कार है। That woman about whom I constantly meditate has no affection for me. She, however, yearns after another who is attached to someone else, where a certain woman pines away for me. Fie on her, fie on him, on the god of love, on that woman, and on myself. श्लोक क्रमांक तीन अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञानलवदुर्विघ्नं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति वृत्त आर्य। अन्वय अज्ञः सुखम् आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम् आराध्यते किन्तु ज्ञानलव दुर्विदग्धं नरं ब्रह्मा अपि न रंजयति। मूर्ख सहज में संतुष्ट किया जा सकता है और पंडित तो और भी सहज में साधनीय है, परंतु अल्पज्ञ को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। An ignorant man can be easily propitiated, a wise man still more easily be propitiated, but even Brahma cannot please him who is puffed up with a little knowledge. Shloka Kramanka 4 Prasayyamani muddharen makaravakradaunshtrangkurat samudram apisantaret prachaladurmimalakulam भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्
न तु प्रनिविष्टमुखमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अन्वय मकर वक्त्रदंष्ट्रा अंतरात् मणिं प्रसय्य उद्धरेत्। प्रचलत् ऊर्मिमाला आकुलं समुद्रम् अपि संतरेत्। कोपितं भुजंगम् अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तं तु न आराधयेत्। वृत्त पृथ्वी। यह संभव है कि मनुष्य बल द्वारा मगर के डाढ़ों के बीच से मणि को निकाल ले। यह भी संभव है कि मनुष्य प्रचंड लहर वाले भरे समुद्र को तैर कर पार कर ले, अथवा कोप से भरे सर्प को शिर पर पुष्प के समान धारण कर ले। पर यह कदापि संभव नहीं कि कोई मूर्ख का चित्त जो किसी वस्तु पर जम गया है उसे हटा सके। One may forcibly recover a jewel from the tip of the fang of a crocodile. He may even swim across the sea whose waters are agitated by a series of waves in the motion. He may as well wear an excited serpent on his head as if it were a flower. But he cannot win ever the perverse mind of a fool. Shloka Kramanka 5. लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडियम् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। वृत्त पृथ्वी। अन्वय यत्नतः पीडयन् सिकतासु तैलमपि लभेत्। पिपासा अर्जितः मृगतृष्णिकासु सलिलं च पिबेत्। पर्यटन् नरः कदाचित् शशविषाणम् अपि आसादयेत्। प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तं तु न आराधयेत्। यत्न से वालू पेरकर तेल निकालना संभव है। प्यासा कदाचित मृगतृष्णा से अपनी प्यास बुझा ले। ढूंढने से कदाचित खरगोश की सींग भी मिल सके, परंतु मूर्ख का चित्त जिस वस्तु को और बुझा है उससे हटाना कदापि संभव नहीं। A man may get even oil from sand by strenuous pressure. When oppressed by thirst, he may drink water from the mirage. He may perchance even come across the horn of a hare in his wanderings, but he can never win the obstinate mind of a fool. Shloka Kramanka 6. Vyalam balam runala tantu birasaurodham samujrumbhate chetum vajramanim shirisha kusuma prantena sannayati. माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेरीहते। नेतुं वाञ्छति यस्खलान् पतिसतां सूक्तैर्सुधास्यन्दिभिः। अन्वय यहा मूर्खान् सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः बलात् पति नेतुम् इच्छति, असौ बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते। शिरीश कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं नेत्तुं सन्नयति। मधुबिन्दुना क्षार अम्बुदेः माधुर्यं रचयितुं वा ईहते। वह पुरुष कोमल कमल की डंडी से तंतु से हाथी को बांधना चाहता है, हीरे को सिरिस के फूल की पांखड़ी से वेदना चाहता है, और मधु के एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा किया चाहता है, जो दुष्टों को अपने अमृत तुल्य वचनों से सन्मार्ग में ले जाने की इच्छा करता है। He who wishes to lead the wicked into the path of the virtuous by sweet persuasive language is like one who endeavors to curb a maddened elephant by means of tender lotus filaments.
like one who tries to cut the diamond with the edge of a petal of the Shirisha flower, or like one who hopes to sweeten the salt waters of the ocean by means of a drop of honey. Shlok number 7. Swayattamekanta gunam vidhatra vinirmitam chaddadamam jnataya visheshatas sarva vidam samaje vibhushanam maunam panditanam vritta indravajra. Anvay, vidhatra apanditanam maunam ajnataya chadanam स्वायत्तम एकांतहितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम विनिर्मितम. विधाता ने मौन अथवा अर्थात चुप रहने को जो पुरुषों के स्वाधीन किया है और जिसमें अनेक गुण हैं, उसे अज्ञानता का ढकना बनाया है और विशेषकर पंडितों की सभा में मौन ही भूषण है. The creator has produced for ignorance a cover which is within one's own control and which is certain in its efficacy. In the assembly of the well-versed, silence especially becomes the ornament of the ignorant. Shloka Kramanka 8. Yada kinchatajnyoham dvipaiva madandha samabhavam तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः. यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनकासकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः. अन्वय, यदा अहं किञ्चिज्ञः तदा अहं गजः इव मद अन्धः समभवम्. मम मनः च सर्वज्ञः अस्मि इति अवलिप्तम् अभवत्. यदा बुधजनसकाशात् किञ्चित् किञ्चित् अवगतं तदा मूर्ख अस्मि इति ज्वरः इव मे मदः व्यपगतः. जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था तब मैं हाथी की नाई मदांध था और मेरे चित्त में यह गर्व था कि मैं सर्वज्ञ हूँ. परंतु जब विज्ञानों की संगति से मुझे कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मेरा मद ज्वर के समान उतर गया और मुझको ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ. When I knew but a little, I was blinded by pride as an elephant is blinded by rut from excitement, and my mind was puffed up with the idea that I knew everything. When, however, I gradually gained knowledge through the contact of the wise, I found I was a fool, and the pride which had possessed me like fever left me. Shloka Kramanka 9. Krumikulachitam lalaklinnam vigandijugopsitam nirupamarasam pritya khadannarasti niramisham सुरपितममिश्वा पार्श्वस्थं विलोक्यनाशंकते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुतां वृत्त हरिणी. अन्वय, कृमि कुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगप्सितं निरामिषं नर अस्थि निरुपमरस प्रीत्या खादन् श्वा पार्श्वस्थं सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते क्षुद्रहि जन्तुः परिग्रह फलगुताम न गणयति. जब कीड़ों से व्याप्त, लार से भींगे, दुर्गंध, निंदित, निरस और मांस रहित मनुष्य की हड्डी को निर्लज्ज कुत्ता प्रेम से चबाता है और अपने पास इंद्र को भी खड़े देखकर शंका नहीं करता, तो तात्पर्य यह हुआ कि नीच पुरुष जिस पदार्थ को ग्रहण कर लेता है उसकी निस्सारता पर ध्यान नहीं देता. A dog, even if he sees the Lord of the heavens, Indra, standing by him, hesitates not to devour with unparalleled relish and delight a human bone
though it be destitute of flesh, full of clusters of vermin, emitting a loathsome stench, be disgusting, and covered with saliva. Verily, a mean man gives no thought to the worthlessness of what he has come by. Shloka Kramanka 10. Shirasharvam Swargat Pashupati Shiras Dakshitidaram Mahidra Dattunga Davanimavanaipchapi Jaladim Adodo Gangeyam Padamopagata Stoka Matava Viveka Prashtanam Bhavati Vinipata Shatamukaha. Anvaya. Sa Yam Ganga Swargat Sharvam Shiraha Pashupati Shirastaha Kshitidharam Uttungat Mahidrat Avanim Avaneha Api Jaladim Evam Adha Stokam Padam Upagata Athava Viveka Brashtanam Vinipataha Shatamukaha Bhavati. Yaha गंगा जी प्रथम स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरी, फिर वहां से हिमालय पर्वत पर, और पर्वत से पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से समुद्र में, इस प्रकार नीचे नीचे ही गिरती है गई। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि विवेक भ्रष्ट पुरुष भी इसी तरह सौ सौ प्रकार से अधोगति को ही प्राप्त करते हैं। The Ganges falls from heaven on the head of Shiva, from the head of Shiva to the mountain, from that lofty mountain to the earth, and from thence to the ocean. Thus falling lower and lower has this river come to an insignificant position. What wonder in a variety of ways comes about the fall of those who are lost to all sense of right and wrong. Shloka Kramanka 11. Shakyo varayitum jalena hutapuk chatrena suryatapto Nagendro nishindankushena samado dandena gogardhavau Vyadir bheshaja sangrahaischa vividhair mantra prayorgair visham Sarvasya Aushadamasti Shastra Vihitam Murkhasya Nasti Aushadam. Anvay. Hutabuk Jalena Suryatapaha Chatrena Samadaha Nagendraha Nishitankushena Gogardhavau Dandena Vyadihi Bheshaja Sangrahaihi Visham Vivida Mantra Prayogaihi Cha Varayitum Shakyaha सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य औषधम् न अस्ति जल से अग्नि का छाते से सूर्य की गर्मी धूप का तीक्ष्ण अंकुश से उन्मत्त हाथी का डंडे से बैल और गधे का अनेक प्रकार की औषधियों से व्याधि का और मंत्र प्रयोग से विष का निवारण हो सकता है इस प्रकार शास्त्रों में सबकी औषधि कही है परंतु मूर्खता की कोई भी औषधि नहीं है Fire can be quenched by water The heat of the sun can be warded off by an umbrella A wild elephant can be controlled by a sharp hook A bull or a donkey by a cudgel Illness can be got over by taking medicines in the proper way And poison can be eradicated by the use of various charms. A remedy has been ordained by the Shastras for everything. But there is no medicine for a fool. Shloka Kramanka 12. Sahitya Sangeeta Kalavihinaha Sakshat Pashupuccha Vishanahinaha Trunanna Khadanna Pijivamanaha तत्भागधेयं परमं पशुनाम वृत्त उपजाति अन्वय साहित्य संगीत कला विहीनः जीवः साक्षात्
पुच्छ विषाणहीनः पशुः अस्ति, सः तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तत् पशूनां परमं भागधेयम्। जो मनुष्य साहित्य संगीत शास्त्र और कला से विहीन है, वह बिना सींक और पूंछ का साक्षात पशु है। वह घास न खाकर जीता है, यह उस पशु का परम भाग्य है। A person destitute of literature, music or the arts is a very beast, except that he has no tail or horns. That such a one lives, and that too without eating grass, is the good fortune of the beasts. Shlok Kramanga 13. Yesham na vidya na tapo na danam, jnanam na shilam na gunap na dharmah, ते मर्त्यलोके भविभारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अन्वय। येषां न विद्या न तपः न दानं न जानं न शीलं न गुणः न धर्मः ते भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्यरूपेण चरन्ति। जिस पुरुषों को न विद्या है, न तप, न दान है, न ज्ञान, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे मृत्यु लोक में पृथ्वी के भार स्वरूप साक्षात पशु है और मनुष्य रूप धारण करके विचरते हैं। Those who have neither learning nor penance, nor liberality, nor knowledge, nor good conduct, nor virtue, nor the observance of duties, pass their life in this world of mortals like beasts in human form, and are mere encumbrances to the earth. Shlok Kramanka 14. Varam parvata durgeshu brantam vanacharaisah na murkha jana samparkah सुरेंद्र भवनेष्वपि। अन्वय। पर्वत दुर्गेषु वनचरैः सह भ्रातं वरम्, सुरेंद्र भवनेष्वपि मूर्ख जन संपर्कः न। दुर्गम पर्वतों में वनचरों के संग विचरना अच्छा है, परंतु मूर्ख पुरुष का संसर्ग इंद्र भवन में भी अच्छा नहीं। इति अज्ञ निंदा प्रकरणम्। बेटर टू रोम विद द ड्वेलर्स इन वुड्स इन डिफिकल्ट माउंटेन डिफाइल्स देन टू लिव इन द मैंशंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द गॉड्स इंद्र इन कंपनी ऑफ अ फूल। अज्ञ निंदा प्रकरणम् समाप्तम्। कथनकार सुंदर हटंगड़ी, मिशिगन, अमेरिका। एंड ऑफ the chapter on fools, Bhartrihari's Niti Shatak, narrated by Sundar Hatangadi, Michigan, USA.